फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलिए आज पेड़ मिसी तोड़ के पपाया बनाते हैं। मेरे घर में, मेरे बगिया में एक पपाया का पेड़ है। मेरे बच्चे ना छिल के रख देती हूँ फ्रिज में, फिर भी नहीं खाता है। देखिए मैंने पहले कुछ भी नहीं, इसमें बहुत दम सिंपल फंडा है। पहले मैंने क्या किया, जितना आपको दूध डालना है, फिर थोड़ा सा भी दूध में बन जाता है। दूध को सुखा लिए, गढ़ा कर लिए, उसके बाद मैं पपाया को छील कर इसमें डाल दी हूँ। इसमें जो जिनको शुगर है वो भी खा सकते हैं, इसमें चीनी डालने का कोई ज़रूरत नहीं। पपाया घर का है या मीठा है, चाहे बाजार वाला भी अब मीठा वाला है रहता है, उसमें भी चीनी का बना सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा लगता है, देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे पपाया बहुत मुश्किल से लोग, ज़्यादा तो खाना ही नहीं चाहिए पपाया को, 100 ग्राम से ज़्यादा पपाया नहीं खाना चाहिए, ये नुकसान करता है। जितने फायदेमंद है उतना ज़्यादा खाने पर नुकसान भी करता है। तो उसको मैंने छील ली हूँ, छिलका को हटाकर और छोटे छोटे कट करके, और दूध सूखा हुआ था उसमें मैं डालकर इसको, आप घी खाना पसंद करती हैं तो अभी पानी सूख गया, इसमें घी डालकर थोड़ा सा भून लीजिए तो और टेस्टी हो जाता है, सुंधापन आ जाता है। और नहीं खाना है तो आप इसी तरह से भी खा सकती हैं, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। इससे आपका फेस पे ग्लो आता है, ये लगाने से पपाया, अगर फेस में चावल काटा और पपाया और थोड़ा सा कॉफ़ी और हनी, चार चीज़ मिलाकर आप फेस पर लगाइए और 10-15 मिनट के बाद उसको हल्का मसाज करते हुए हटा दीजिए। इससे आपका जो छाइयाँ है ना ख़त्म हो जाता है। फिर ये पपाया बहुत काम का चीज़ है, आपको इसी तरह से भी खा सकते हैं। इसको आप मिल्क शेक भी बना सकते हैं। पपाया को कट कर लिए, मिक्सी जार में डालकर और थोड़ा सा चीनी खाना है तो खाइए, नहीं तो दूध उसमें डालकर बर्फ डाल दीजिए और शेक बन गया तो पी लीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है, पपाया शेक भी टेस्टी लगता है, इसका हलवा भी टेस्टी लगता है, इसका मुरब्बा भी टेस्टी लगता है, इसका भुजिया भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो भुजिया और पराठा बहुत प्रेम से खा लेती हूँ। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड देखने में, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिए फ्रेंड, देखिए ये कितना प्यारा है ना। देखिए आप इसमें काजू किशमिश ड्राई फ्रूट भी डालकर बना सकती हैं। इसको फ्रीज में आप रख सकते हैं 10-15 दिन तक, ला कुछ नहीं होता है खराब। इसको आप जब खाना हो तो थोड़ा सा हल्का कढ़ाई में भून लीजिए, नहीं तो घी खाना है तो 1 चम्मच घी डालकर इसको थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिए, टेस्ट बहुत दोगुना कर देता है। इस तरह से आप बना कर देखिए, बहुत टेस्टी लगेगा। बाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और एक बार बना कर देखिए, ये बहुत टेस्टी है पपाया हलवा। बाय।